दोस्तों अगर आप चाहते हैं किसी भी वीडियो का वाटरमार्क या इमेज का वाटरमार्क रिमूव करना या लोगो रिमूव करना, दोस्तों भले रहिए वीडियो से बताऊंगा मैं आज आपको कि कैसे आप किसी भी वीडियो का या वाटरमार्क या लोगो आप रिमूव कर सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से। उससे पहले दोस्तों अगर अब तक आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे क्वालिटी बेस्ड और सही जानकारी वाले वीडियो लेकर आता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अजय गिरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब बाबू टेक्निकल। दोस्तों बताया मैंने आपको शुरू में कि आज हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी वीडियो का या इमेज का वाटरमार्क या लोगो को हम रिमूव करेंगे। दोस्तों उससे पहले बता दूंगा आपको कि मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था 2021 में जो कि काफी लोगों द्वारा पसंद किया गया है। दोस्तों तो आज बताने वाला हूँ मैं आज आपको कि हम अपने किसी भी वीडियो का वाटरमार्क या लोगो 2022 में किस तरीके से रिमूव करें जिससे कि हमारा वाटरमार्क या लोगो हट जाए और अपना वहां पर हम लोगो या वाटरमार्क लगाकर वीडियो को एडिट कर सके। दोस्तों ये उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं किसी का वीडियो लेकर उसमें एडिटिंग करते हैं और वहां पर लोगो लगा रहता है तो उनको दोस्तों ये प्रॉब्लम आती है कि लोगो वहां से रिमूव नहीं होता है और वो लोगो वहां पर दिखता है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी वीडियो का वाटरमार्क या लोगो आसानी से रिमूव कर सकते हैं। मंद है जो कि काइन मास्टर से वीडियो बनाते हैं। दोस्तों काइन मास्टर एक पेड वर्जन है और वहां पर जब काइन मास्टर से वीडियो एडिटिंग करते हैं तो वहां पर उसका वाटरमार्क या लोगो जो होता है काइन मास्टर का वो लग जाता है, लेकिन दोस्तों उसको रिमूव नहीं कर पाते हैं और एज इट इज उसको वीडियो को वहां पर यूट्यूब पर या जहां भी उसको अपलोड करना होता है उसको अपलोड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि वहां पर हमारा लोगो नहीं लग पाता है और वहां पर काइन मास्टर का लोगो दिखता है। दोस्तों इस तरह से क्या है कि इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप वहां से भी काइन मास्टर का लोगो रिमूव कर सकते हैं और वहां पर अपना लोगो लगा सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर दिखाते हैं आपको कि कैसे आप अपने किसी भी वीडियो या इमेज का वाटरमार्क या लोगो को रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों आगे हम मोबाइल स्क्रीन पर दिखाते हैं आपको कि कैसे हम किसी भी वीडियो का वाटरमार्क या लोगो रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन की आवश्यकता होगी जिसको हम सर्च करेंगे प्ले स्टोर में। दोस्तों प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें एक एप्लीकेशन को सर्च करना है जिसका नाम है लोगो मैनेजर। दोस्तों आपको भी सर्च करना है लोगो मैनेजर। दोस्तों लोगो मैनेजर सर्च करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला एक ऑप्शन आया है रिमूव एंड ऐड वाटरमार्क। दोस्तों हमें क्या करना है कि इसको इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों ये बहुत ही कम MB का एप्लीकेशन है जिसको जल्दी से आप रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही कम MB का एप्लीकेशन है जिसको जल्दी से आप डाउनलोड कर सकते हैं यानी कि इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। दोस्तों इसके बाद हमें करना है इसको ओपन। दोस्तों ओपन करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है सिलेक्ट वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों सिलेक्ट वीडियो पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने दो तरह के ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें पहला ऑप्शन है रिमूव वाटरमार्क और दूसरा लिखा है ऐड वाटरमार्क। दोस्तों हमें रिमूव वाटरमार्क करना है कि हमें वीडियो का वाटरमार्क रिमूव करना है तो दोस्तों हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर दोस्तों हमें वीडियो में वाटरमार्क लगाना है दोस्तों तो हम ऐड वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे। दोस्तों हमें रिमूव करना है दोस्तों रिमूव वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे पास फाइलों का आ जाएगा ऑप्शन जहाँ से हमारी वीडियो या फाइल जहाँ भी हमारा है वहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना। दोस्तों मेरा वीडियो फाइल्स में है दोस्तों वहाँ क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों जो वीडियो का मुझे वाटरमार्क रिमूव करना है उसको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों नीचे लिखा है ओके तो ओके पे क्लिक करेंगे। सो ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक बॉक्स बन जाता है। दोस्तों बॉक्स को अपन को इस तरह से कट करना है यानी कि जहाँ भी हमारा इमेज या लोगो लगा हुआ है वाटरमार्क लगा हुआ है वहाँ पर दोस्तों जाकर उसको हम सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं यहाँ लिखा है सेव का ऑप्शन तो मैं सेव कर क्लिक करेंगे। सो सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो वाटरमार्क रिमूव करने का प्रोसेस है वो कुछ समय तक चलता रहेगा यानी लगभग जो है कि 2 से 3 मिनट हमारा लगेगा उस पर हमारा वीडियो वाटरमार्क जो है वो वहाँ से हट चुका होगा। दोस्तों तो तब तक हम इसको होल्ड करते हैं। दोस्तों हमारा एप्लीकेशन कुछ देर प्रोसेसिंग लेता है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेस मीडिया को यहाँ ओके हो गया है। दोस्तों हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों बताते हैं बैक और दिखाते हैं आपको कि जो हमने वीडियो का वाटरमार्क रिमूव किया है वो हुआ है या नहीं तो दिखाता हूँ आपको यहाँ पर मैं। दोस्तों ये हमारा ओरिजिनल वीडियो है जिसमें कि यहाँ वाटरमार्क आप दोस्तों देख सकते हैं और इसमें दोस्तों मैं आप बताता हूँ कि जिस वीडियो को मैंने वाटरमार्क हटाया था वहाँ पर वाटरमार्क रिमूव हुआ है या नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो वाटरमार्क है वो अब यहाँ पर नहीं है। दोस्तों इसका मतलब हुआ कि हमारा जो वाटरमार्क है वो रिमूव हो चुका है। दोस्तों इस तरह से आप भी अपने वीडियो का वाटरमार्क रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा चलते हैं आप दोबारा एप्लीकेशन में और दिखाते हैं आपको कि कैसे हम किसी भी इमेज का वाटरमार्क रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट इमेज तो हमें सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों सेम वहाँ ऑप्शन मिलेगा जैसे कि हमें अपने वीडियो का वाटरमार्क रिमूव करना है या फोटो का वाटरमार्क रिमूव करना है। दोस्तों सेम ऑप्शन होता है तो हमें रिमूव वाटरमार्क पर क्लिक करना है।
उसके दोस्तों जो भी हमें फ़ोटो या इमेज लेना है जिसको हमें वाटरमार्क या लिखा हुआ या कोई भी फ़ोटो वहाँ से रिमूव करना है अपने उस पोस्टर या फोटो पर से, दोस्तों उसको यहाँ पर क्लिक कर लेना है गैलरी पे। दोस्तों गैलरी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक इमेज ले लिया है, उसको ओके कर दिया। दोस्तों यहाँ पर एक बना हुआ है मेरा एक गिटार का निशान, तो मैं चाहता हूँ कि ये निशान यहाँ से हट जाए, यानी ये वाटर मार्क समझिए या लोगो समझिए इसको, इसको मैं रिमूव कर चाहता हूँ करना दोस्तों। तो यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। तो सेव के ऑप्शन क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखते हैं कि मेरा प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हुआ। दोस्तों डिपेंड करता है कि आपके क्वालिटी इमेज और आपके कितने एमबी का वो वीडियो है। दोस्तों आप देखते हैं कि कहीं हमारा जो इमेज का लोगो है या वाटर मार्क था वो हटा या नहीं हटा है। दोस्तों जैसे कि आप सोचते हैं कि यहाँ से हमारा जो ये इमेज था उसका दोस्तों वाटर मार्क या लोगो था जो दोस्तों वो हट चुका है। दोस्तों इस तरह से आप भी अपने वाटर मार्क इमेज का या वीडियो का वाटर मार्क रिमूव कर सकते हैं, यानी लोगो रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हम अपने वीडियो का वाटर मार्क या लोगो रिमूव कर रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।